पहले से टूट चुका था। अरे भाई सीधा निकलते हैं यार, मैं तो सही तो सही वाला धोखा दे रखा है। अब बार बार के दे रखे हैं बिल्कुल, क्योंकि 24 कैरेट गोल्ड रोज है। लोगों को स्कीमें बता दे और वो भी वैलेंटाइंस डे पे। तो मेरे बर्थडे पे तो मुझे ऐसे गिफ्ट मिलते रहते हैं, बट वैलेंटाइंस डे पे इट इज वेरी अनएक्सपेक्टेड कि मुझे इतने सारे गिफ्ट मिले। एंड ऑल्सो यार, इफ यू न्यू हियर एंड आप लोग अगर मुझे नहीं जानते हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को थोड़ा सा देख लेना। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरी वीडियो को लाइक करते हैं। एंड ऑल्सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। सो यार, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। इतने सारे लोगों ने भर भर के गिफ्ट दिए और मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी हो रहा है कि इतने सारे गिफ्ट हैं और सबसे पहले किससे स्टार्ट किया जाए, लेकिन मेरे पास एक बहुत ज्यादा जबरदस्त आइडिया है। तो रुको जरा, सब्र करो। इसकी मुझे बहुत ज्यादा ही जरूरत इसलिए थी क्योंकि मैं हर दो दिन में तो मेक पर लगाती रहती हूँ, फिर मैं मुझे लाती रहती हूँ, फिर मैं सुखाने के लिए दूध भरती रहती हूँ। तो इसलिए मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी और ये मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। देखने में कुछ इस तरीके का, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत सा है, ऊपर से टकटकला बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच यार फॉर दिस। पहला गिफ्ट तो बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग सा था। अभी मैं नेक्स्ट में लेने वाली हूँ ये वाला गिफ्ट, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा सा है और ये आया है अजियो से। मैंने आज तक अजियो से कभी शॉपिंग नहीं करी है तो मुझे भी नहीं पता कि ये वाला प्रोडक्ट कैसा होगा, बट आई एम वेरी एक्साइटेड टू ओपन दिस। मिले हैं मुझे ये जूते और ये से खींच के मारूंगी, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और यार ये बहुत ज्यादा ही प्रिटी है और ये पिंक कलर की है, मुझे पिंक कलर से ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे फ्रेंड्स को लगता है कि मुझे पिंक कलर बहुत ज्यादा पसंद है और मेरे पापा को भी लगता है कि मुझे पिंक कलर बहुत ज्यादा पसंद है और वो भी मेरे हर चीज पिंक कलर की आते हैं। बट यार ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं और ये तो मुझे नहीं पता कि मुझे आएंगे कि नहीं आएंगे, बट ये बहुत ज्यादा ही प्रिटी है। थैंक यू सो मच यार इसके लिए। सो नाउ यार मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, और नेक्स्ट में मैं लेने वाली हूं इसको। यार ये बहुत ज्यादा क्यूट है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच यार ईशा इसके लिए, ये बहुत ज्यादा क्यूट है, सही में बहुत ज्यादा क्यूट है। और यार अगर किसी को भी लेना है ये वाला, तो ये बेसिकली मुझे भेजा गया है शॉपी से, तो कोई भी इसको वहां से जाके परचेज कर सकता है। ये बहुत ज्यादा क्यूट है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है एंड आई जस्ट लाइक इट। जाते थे खाने के लिए, तो जब भी वैलेंटाइन
चाहता था, तो मैं तो हमेशा सोचती थी यार मुझे दिवाली चॉकलेट लेनी है, मुझे दिवाली चॉकलेट लेनी है। बट अनफॉर्चुनेटली या फिर मम्मी के डर से मैंने वो चॉकलेट आज तक कभी परचेज नहीं करी। बट यार क्योंकि अभी मुझे ये चॉकलेट मिल गई है तो अब मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ ये देखकर कि इसमें और नॉर्मल डेयरी मिल्क में कोई भी फर्क नहीं है। तो अगर आपको अपने पैसे बचाने तो ये ना खरीद कर नॉर्मल डेयरी मिल्क भी देख सकते हैं, इवन ये बहुत ज़्यादा महंगी है। ये पड़ी है हमें 325 रुपये की, बट नॉर्मल डेयरी मिल्क उसमें इतना ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। तो भाई जिसने मुझे भेजा है आप कृपया करके अपने पैसे थोड़े से बचाएं। बट इवन ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब यार अगर आपको किसी को खुश करना है दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा खाने में डेलीकेट सी भी है, बट नॉर्मल डेयरी मिल्क जैसी ही है, कोई खास फर्क नहीं है। ओके गाइस, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अभी तो मेरे पास रही है बस तीन ही गिफ्ट बचे। और फिर मेरे लिए ये लेके आया, मुझे लगा कुछ ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ लेने गया है, बट बाद में सब पता चला कि वो ये लेके आया। और तो यार ये मैंने कभी नहीं खाई है, अमीरों की बातें गरीबों की चीज़ है ये। और तो यार मैंने ये ओरियो भी खाया है, डेयरी मिल्क सिल्क तो भी मैंने खाई ही है जो कि मैंने भी थोड़ी देर पहले छोड़ दिया, और मैंने ये रेड वेलवेट केक तो खाया, बट मैंने ये तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं खाया, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई इट आउट। हाँ क्योंकि ये मेरे भाई ने दिया है और आज तक मुझे वो कुछ मतलब अभी तक तो मुझे कुछ देता नहीं आया, बहुत कम ही देता है, छीनता ज्यादा है और देता कम है। अभी भी मैं यही बैठ के दिमाग खराब कर रहा है मेरा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। तो यार नेक्स्ट में मेरे पास अब दो ही बच्चे हैं, या तो ये या तो ये, तो इसके लिए हम फिर से खोलने वाली हूँ। और मुझे फिर से ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके अंदर धोखा है, क्योंकि यार इसके अंदर से ना कुछ ऐसी हैवी सी आवाज नहीं आ रही है, मतलब डब्बा तो इतने बड़े सा दे देते हैं और गिफ्ट उसके अंदर इतना छोटा सा रहता है। यार फ्लिपकार्ट वालों को शर्म करनी चाहिए, इतना बड़ा डब्बा देते इतना छोटा गिफ्ट देते हैं। ओके गाइस, तो इसके अंदर है, दिस इज बेसिकली अ पिलो एंड ये एक बॉक्स है, क्या बोलते हैं, अरे भाई सीधे इधर से हैं, तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, इसके चक्कर में गिफ्ट ना फट जाए। इसके अंदर ये सॉफ्ट सा पिलो है छोटू सा, हम इसको कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं, बहुत ज्यादा क्यूट सा है। मेरे पास यार दो सॉफ्ट टॉयज आया है, क्यूट है क्योंकि इतने छोटे छोटे सॉफ्ट टॉयज मेरे पास है नहीं, और ये तो मेरे पास बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है। मैं इतने टाइम सोची थी यार कोई मुझे भी इतने सारे गिफ्ट दे, इतने सारे गिफ्ट दे, ये दे और ये दे। थैंक यू सो मच यार गाइस, तुम लोगों ने मुझे ये गिफ्ट दिया, मेरा तो दिल ही बाग बाग हो गया। थैंक यू सो मच यार इसके लिए। ये कुछ इस तरीके का है, ये बहुत ज्यादा क्यूट है, सही बता रही हूँ। ये वाला टेडी बेयर मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगा, क्योंकि ऑब्वियसली वाले सॉफ्ट टॉय सबको पसंद होते हैं, बट ये वाला बहुत ज्यादा ही फ्लॉपी सा है, बहुत ज्यादा फ्लॉपी सा है। ओके गाइस, सो मूविंग ऑन टू द लास्ट वन, और लास्ट में मेरे पास बचा है ये वाला गिफ्ट, जिसको कि फील करके मुझे ऑब्वियसली बात यही लग रहा है कि ये भी एक धोखा है, क्योंकि यार इसके अंदर से बिल्कुल भी हैवी हैवी आवाज नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा लाइट लाइट से वाला है, खाली खाली सी वाला है। मैंने कहा था धोखा, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहां पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहा है। नहीं वैसे डब्बे में इन्होंने मुझे ये दिया है, मतलब ये दोनों चीजें तो मुझे काफी टाइम से ही चाहिए थी, मेरे पास नहीं थी, और थैंक यू सो मच यार इसके लिए, बहुत ज्यादा अच्छे गिफ्ट हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट भी हैं। मुझे तो लगता था मेरे सारे के सारे फ्रेंड्स एक नंबर के निकम्मे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच यार गाइस, जिन लोगों ने मुझे इतने सारे गिफ्ट भेजे हैं, मुझे सारे के सारे गिफ्ट बहुत अच्छे लगे, बहुत ज्यादा प्यारे हैं और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी हैं। मेन पॉइंट ये है यार सारे के सारे गिफ्ट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे फ्रेंड्स मेरे लिए इतना ज्यादा खर्चा कर सकते हैं, बट उन्होंने किया। और सबसे बड़ी बात है मुझे ये पता है कि मेरे भाइयों ने इतना ज्यादा खर्चा कैसे करते हैं मेरे ऊपर, क्योंकि वो लोग तो कभी करते ही नहीं है। और मैं ये बता देती हूँ कि मुझे गिफ्ट किस किस से भेजे हैं, मुझे ये गिफ्ट भेजे मेरी बेस्ट फ्रेंड ने और मेरे भाई ने और मेरे फ्रेंड्स ने। थैंक यू सो मच यार सबको मुझे इतने सारे गिफ्ट भेजने के लिए और मुझे मेरा वैलेंटाइन डे इतना ज्यादा स्पेशल करने के लिए। और तो मैंने वैलेंटाइन डे पे तो नहीं खोले थे, बट अभी मैं खोल रही हूँ, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, खैर वो लोग तोड़े ना मेरे वैलेंटाइन से। गजब बेइज्जती है।